गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, प्रेजेंटेड बाय मिस्टर सुनील यादव, ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर। टुडे डिस्कस आवर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी हीमेटोसिस, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोलारिटी, इसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। टोटल बॉडी वाटर, नहीं बॉडी में कितना वाटर है वो, इंटरसेलुलर फ्लूड के बारे में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के बारे में और इंटरस्टेलर फ्लूड वॉल्यूम के बारे में और एक्स्ट्रा इंटरवेस्कुलर फ्लूड वॉल्यूम के बारे में, साल्ट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइज्ड कोलेट बैलेंस क्रिस्टल, एनियन गैप, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट और रेसिस्टेंस। नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो नॉर्मल इन्फेक्ट होता है ना, न्यूबॉर्न इन्फेक्ट, उनमें 80% डे ऑफ द वेट 80% होता है। एडल्ट मेल होता है उनमें 60% होता है और एडल्ट फीमेल में 50%। वेन वुमन हैव लेस वाटर देन मेन, दे आर द सम वेट। जो वुमन होती है में वाटर का लेवल कम होता है मेन की तुलना में, समझ, वेट किसके कारण होता है, वेट के कारण। द वाटर कंटेंट ऑफ एडिपोस यानी फैट टिश्यू इज लेस देन दैट मसल्स, वेल वोमन हैव मोर एडिपोस टिश्यू एट द अफेक्ट ऑफ फेमिनिन हार्मोन। क्या इफेक्ट करता है, फेमिनिन हार्मोन, वाटर कंटेंट एडिपोस फैट टिश्यू होते जो लेस दैट मसल्स, वेल वोमन हैव मोर एडिपोस टिश्यू एट अफेक्ट करते जो फेमिनिन हार्मोन होता है उसको। टोटल बॉडी वेट ऑफ मेल 40% सॉलिड और 60% फ्लूड होता है। 2/3 इंटरसेल्युलर फ्लूड होता है और 1/3 एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूड होता है। 75% इंटरस्टियल फ्लूड होता है और 25% प्लाज्मा होता है, ठीक। बॉडी फ्लूड आर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू डिस्टेंस एरिया। इंटरसेल्युलर फ्लूड ICF 40% बॉडी वेट के 40% होता है ना, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूड 20% ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है और इंटरस्टियल फ्लूड 15% ऑफ बॉडी वेट होता है, प्लाज्मा 5% इन बॉडी वेट होता है। टोटल बॉडी वाटर, इंटरसेलुलर फ्लूड 2/3 मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी सेल्स, इंटरस्टेल फ्लूड प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है और ट्रांससेलुलर फ्लूड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड 1/3 होता है, ठीक है। फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट, है ना। इंटेक ऑफ फ्लूड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ एक्स आउटपुट, किडनी हो सक में आउटपुट होता है, गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, स्किन और लंग्स। हम फ्लूड इंटेक करते हैं और फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक आउटपुट, ठीक है। किडनी से आउटपुट होता है, गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता है, स्किन से होता है और लंग्स से। इनसेंसिबल लॉस इंटेक,
हम वाटर इंटेक करते हैं, ओरली करते हैं जनरली। लंग्स एंड स्किन 0.5 to 1 liter पर डे आउटपुट करते हैं। जीएल 100 to 150 ml पर डे करता है और किडनी। ओके, रेगुलेशन ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रोट लिपिड लेयर होती है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रोट प्रोटीन लेयर होती है, फैसिलिटेट और कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन थ्रोट लिपिड लेयर क्या होता है, स्ट्रक्चर में देखिए, सेल वाटर इंटरसेल्यूलर लिपिड बाई लेयर है ना। अब ट्रांसपोर्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन वाटर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और वाटर कैनाल के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर क्या होते हैं वो देखिए, स्ट्रक्चर के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड रहता है वो बॉडी से अंदर आते हैं, वो क्या होता है प्रोटीन कैनाल होती है उससे, और सॉल्यूट होता है कार्बोप्लाज्म। फैटी सेलुलेट और कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन होता है ना, प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होते हैं और सॉल्यूट होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर वन बल्क फ्लो स्ट्रक्चर में देखिए आप, ऑक्सीजन एजेंट लीड ब्लड सेल कैपिलरी होते हैं फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड रेड ब्लड सेल वेलिनेशन डिफरेंशियल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन टू पल्मोनरी वेन एपिथेलियम ऑफ द वॉल्स फीमेल मिसेस है ना। फिल्टरेशन कैसे होता है, शॉर्ट वाइड अफरेंट आर्टियोल्स लो रेसिस्टेंस इनपुट पैथवे है ना। फ्लो कंट्रोल्ड बाय द वेसो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आफ्टर आर्टियोल। फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेट होता है, बोवंस कैप्सूल ग्लोमुलर्स होते हैं और फिर इफेंट आर्टियल पल्स वेसा रेक्टा होता है, हायर रेसिस्टेंस आउटफ्लो पैथवे। ऑस्मोसिस क्या होता है, कंट्रोल्ड शुगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन और पार्टियल प्रेम्बल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस शुगर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, दोनों का वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोसेस थ्रू नॉट शुगर। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं नॉट शुगर मॉलिक्यूल्स है ना। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना, सोडियम एंड पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन होता है, एडिपोज होता है ना, पोटेशियम कैल्शियम एडिपेज होता है, कनेक्टिव होता है सोडियम से। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, सोडियम ना जाएगा एटीपी के एक्सचेंज ऑफ एंटीपोर्ट कार्बोप्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कोट्रांसपोर्ट सिस्टम। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फ्लूड बैलेंस, एल्डोस्टेरोन एंटी डायुरेटिक हार्मोन और न्यूट्रिस्टिक
पेप्टिक है ना, एल्डोस्टेरोन में होता है, हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुला सेल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टिमुलेट किडनी, रिटेन सोडियम, रिटेन वाटर, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट पोटेशियम। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आल्सो कॉल्ड एरोजेनिक वैसोप्रेशन ADH इज प्रोड्यूस इन द न्यूरॉन सेल बॉडीज इन सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन दिस कलेक्शन ऑफ डक्ट। द न्यूरोपैथिक पेप्टाइड फैमिली फ्रॉम पेप्टाइड्स ऑफ दिस फैमिली हैव बीन आइडेंटिफाइड इंक्लूड आर्टेरियल न्यूरोपैथिक पेप्टाइड, ब्रेन न्यूरोपैथिक पेप्टाइड और सी टाइप न्यूरोपैथिक पेप्टाइड। यूरोडाइलेशन फंक्शन डायूरेटिक एंड न्यूरोपैथिक एक्शन। आर्टेरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड फंक्शन है ना, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम कॉज इंक्रीज्ड आर्टेरियल स्टेज, आर्टेरियल माइकोकार्डियल सेल स्ट्रेच एंड रिलीज्ड। अब आर्टेरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड क्या करता है, ये चार भागों में डिवाइड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, किडनी होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है। इन हैबिट से वैसोप्रेसिन होता है, किडनी से डायरेक्ट GFR और रिटेन होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से इन हैबिट से एल्डोस्टेरोन होता है और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है और इनहेबिटेटल जीआर इंटेन और रिटेन और इनहेबिटेटल से सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एक्सचेंज होता है। द सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट कंसिक्यूस डिजायर ऑफ वाटर मेजर फैक्ट दैट डिटरमाइंड फ्लूड इंटेक इंटेस्टाइड नाइटेड बाय द ऑस्मोसेप्टोन ऑफ हाइपोथैलेमस दैट आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूड, आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर थ्रोट द रिसेप्टर ऑफ बेरा रिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट AVP सिक्रेशन एंड थ्रस्ट। द वेस्कुलर एजेंट ऑफ द लेमिना टर्मिनल्स कंटेंस ऑस्मोरिसेप्टिव न्यूरॉन्स आल्सो द सबफोर्निशल ऑर्गन एंड द मीडियन प्रोपेटिक। This cell project to the paraventricular nuclei and the supraoptic nuclei to produce AVP secretion.
the regulation of the thirsty reaction. They stimulate sensor by the osmoreceptor. Not a change in the extracellular fluid osmolality, but a change of osmoreceptor neuron size or the some intracellular substance. Diagram A or B. Generate concentration of the solution, green dots outside of the cell, then inside, you know, or water flow out of the cell, equalized and the solute concentration and the screen the cell. Hypovolemic thrust or osmotic thrust, extracellular osmotic compression or intercellular compression. Type of thrust, stimulate based relative by drinking receptor or hormone influence. Osmotic thrust, high solution concentration outside cell of causes loss of water from cell. Best reactive by drinking में water receptor logram vault the brain area adjoining the third ventricle, accompanied by vasopressor secretion to conserve water. Hypovolemic thirst, low blood volume, water containing solution. Number one, bororeceptor measuring blood flow returning to the heart. Number two, subformical organ, a brain area adjoining the third ventricle, increased by angiothrust. Abnormality in the regulation of body flow, extracellular fluid volume defect, extracellular fluid volume excess, extracellular fluid volume shift, extracellular fluid volume deficit, a decrease in the intracellular and interstitial fluid. It is a common and the serious fluid imbalance that result in the vascular fluid volume loss, hypervolemia. Risk factor, diabetic ketoacidosis, hemorrhage, difficulty of swallowing, aged, severe mainly ill patient. Laboratory finding, increased osmolality, increase in the normal serum sodium level, burn less than 25 mg per dl, hyperkalemia less than 120 mg per dl, increases specific gravity of urine, elevated hematocrit less than 55, increased specific gravity. Management of the dehydration, pharmacological management, dietary management, nursing diagnosing and celebratory problem nursing intervention. False prescription, assess of ortho, assess for orthostatic hypotension, assess muscle strength in leg, orient the patient to the environment, remind the patient to cell for help before getting out of bed or a chair,
help the patient get out of bed or a chair, provide or remind the patient is to use a walker or cane for ambulating. Help the incontinent patient toilet every 1 to 2 hours. Clean up spills immediately. Provide adequate lighting at all times, especially at night. Keep the call light within reach and ensure that the present can use it. Place the bed in the lowest position with the brakes locked. Place object that the patient need within reach. Ensure that adequate handles and present in the patient room, bathroom and hall. Encourage family members or significant other to stay with the patient. Extracellular fluid volume excess. If is increased fluid retention in the intravascular and interstitial space. Fluid volume shift is basically a change in the location of extracellular fluid between the intercellular and the interstitial space. Electrolyte balance and imbalance देखेंगे. Sodium hyponatremia और hypernatremia. Hyponatremia definition में क्या आएगा? Commonly defined as a serum sodium concentration more than 135 μg per liter. और हाइपोनेट्रेमिया रिप्रेजेंट ए रिलेटिव एक्सेस ऑफ वाटर इन रिलेशन ऑफ सोडियम. हाइपोनेट्रेमिया इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर. एक्यूट हाइपोनेट्रेमिया डेवलपिंग ओवर 48 आवर्स और लेस आर ऑब्जेक्ट टू मोर सीवियर डिग्रीज ऑफ सेरेब्रल एडिमा. सोडियम लेवल इज लेस देन 105 मेक पर लीटर. द मोर्टलिटी इज ओवर 50%. क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया developing over more than 48 hours experience milder degree of cerebral edema. Types: hypovolemic hyponatremia, euvolemic hyponatremia, hypervolemic hyponatremia, or redistributive hyper टर्मिनिया और पेसो डिहाइड्रोनेट्रेमिया. हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया डेवलप्स ए सोडियम एंड फ्री वाटर आर लॉस्ट एंड और रिप्लेस्ड बाय द इनएप्रोप्रिएट हाइपोटोपिक फ्लूइड. सोडियम कैन बी लॉस्ट Lost sodium can be lost through renal or non-renal routes. Normal loss: GL losses, vomiting, diarrhea, fissures,
पेनक्रेटिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, थर्ड स्पेसिव ऑफ फ्लूइड, एसिड पोटेंस, पेनक्राइटिस एंड बर्न्स, सेलिवर साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एन यूरोसोमल सब एरोनेटिक हिमोरेज एंड इंट्रा कैनियल सर्जरी मस्ट डिस्टिंग्स फ्रॉम SIADH. रीनल लॉस, एक्यूट और क्रोनिक रीनल इनसफिशियंसी, डायूरेटिक्स, इनवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, नॉर्मल सोडियम स्टोर्स एंड ए टोटल बॉडी एक्सेस ऑफ फ्री वाटर, साइकोजेनिक पॉलीडिस्फेजिया ऑफ्टेन इन द साइकोकेट्रिक पेशेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक इंटरवेंशन 5% DW और इनरेगुलर फ्लूड्स, सोर्बिटोल ग्लिसरीन इन द इमीडिएटेड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोपिक मेंटेनेंस इंटरवेंशन इंट्रावीनस फ्लूड, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक मेंटेनेंस इंटरवेंस फ्लूड, इन्फेंट हू मे हैव बीन गिवन इन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्री वाटर, बाउल प्रिपरेशन बिफोर कोलोनोस्कोपी और द कोलो रिसेप्टर सर्जरी. अब हम देखेंगे हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, टोटल बॉडी सोडियम इंक्रीज, इसमें क्या होता है टोटल बॉडी सोडियम इंक्रीज हो जाता है एंड TBW इंक्रीज्ड टू दे जनरेट ग्रेटर एग्जिट, है ना. कैन बी रीनल और नॉन, ये रीनल से भी हो सकता है, नॉन रीनल भी हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक रीनल, इसमें एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो सकता है. डिसफंक्शनल किडनी आर अनेबल टू एक्सक्रेट एंड दे इंजेक्टेड सोडियम लोड, सिरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और न्यूरोपैथिक सिंड्रोम. रेडिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोनेट्रेमिया, वाटर शिफ्ट फ्रॉम द इंट्रा सेल्यूलर टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसमें क्या होता है वाटर शिफ्ट होता है इंटर सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, कंपार्टमेंट विथ ए रिजल्टेंट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम, इसमें कंपार्टमेंट विच ए रिजल्ट रिजल्टेंट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम, TBW and total body sodium are unchanged. This condition occurs with hyperglycemia, administration of mannitol, hyperuricemia is usually due to water deficit, excess water loss, example heat exposure, डायबिटीज इंसिपिडस और इम्पेयर्ड थर्स्ट, एग्जांपल प्राइमरी हाइपोडिस्फेसिया, कोमेटोस एक्सेसिव एनए रिटेंशन,
सोडियम रिटेंशन। क्लिनिकल फीचर, एक्सेसिव थ्रस्ट, पोल्यूरिया, नोजिया, है ना। सेकंड, मस्कुलर वीकनेस, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट और ओकेशनल कोमा एंड सीजर्स। ट्रीटमेंट, करेक्ट वाटर डिफिसिट प्लाज्मा एंड सोडियम 140 या 0.6 बॉडी वेट इन केजी। रेट ऑफ करेक्शन, एडल्ट हाइपर नेट्रेमिया 1 mEq लीटर पर आवर, क्रोनिक हाइपर नेट्रेमिया 1 mEq लीटर पर आवर और 10 मोलिकुल्स पर लीटर और 24 आवर। रिपीट करेक्शन में लोड टू सेलिब्रल ओडिमा। पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैल्शियमिया। पोटेशियम में टू टाइप तो होते हैं क्या, हाइपरकैलेमिया और हाइपर कैल्शियमिया, हाइपो और हाइपर, है ना। कैल्शियम में हाइपर कैल्शियमिया और हाइपर हाइपोकैल्शियमिया। फास्फोरस में हाइपो फास्फोटेमिया और हाइपर फास्फोथेमिया। मैग्नीशियम में हाइपो मैग्नीशियमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया। एंड ऑफ द थैंक्स।